तो भाई लोग यहाँ पे हमारा गोप्रो शिकार हो चुका है टायर का, ये बीच में आ गया और इसको ये लेंस फूट गया। तो गाइस यार काफी दिनों से हम एक प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, तो यार आज उसकी टेस्टिंग होने वाली है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी वीडियो की टेस्टिंग हो रही है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि हमारी कैंपर वहाँ पे खड़ी हुई है और कैंपर के पीछे हमारा जो वो जो 800 थी उसका जो पीछे का हिस्सा था उसे हम उसके पीछे लगा रहे हैं और इससे लेके जा रहे हैं टेस्टिंग के लिए। गाइस टेस्टिंग चल रही है अभी और उस गाड़ी के साथ में आगे क्या होने वाले हो आपको कुछ ही देर के अंदर पता चलेगा। तो गाड़ी की मदद से आधी गाड़ी कटी हुई को लेके जा रहे हैं। तो देखो ये गाड़ी को बांध रहे हैं आराम से। ले दी ना भाई, इसके साथ में इस चीज की टेस्टिंग करने वाले हम। ये हमने बनाया है हमारा नया जुगाड़, ये है टायर थ्रोइंग मशीन जो कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से टायर को फेंकेगी और इसे हिट करने के लिए हम ये गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं कि गाड़ी का क्या हाल होता है। तो गाइस ये हमारा नया जुगाड़ है और ये है वो टायर जो हिट करेगा और वो रहा हमारी गाड़ी का डिब्बा। और इसकी पहले हमने टेस्टिंग उस सीट पे की थी, कार की सीट पे। तो चलो इसे खोल के वहाँ पे लगाते हैं ठाणे। गाइस ये है हमारा टारगेट और ये है हमारा जुगाड़ नया हथियार। चलो इसे लोड करो, मैं उठा। ऐसे उठाते हैं और इसके ऊपर रखते हैं। गाइस जब ये टेस्टिंग फेज है, जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तब इस पे हैकर के लिए वीडियो बनेगी। लगाओ लॉक, लगाओ विक्रम भैया। ठीक है क्या वो सीधा है? बिल्कुल निशाना नहीं है। निशाना एंगल देखो यहाँ से बिल्कुल सीधा, टायर की सीट में एंगल हाँ बिल्कुल सीधा है। सीधा गाड़ी भी जाके लगेगा। हाँ सीधा है ना। चलो फिर गाड़ी स्टार्ट करो। गियर लगा चमना, गियर लगाओ सारे। चलो ऐसे ही मैं गाड़ी को खींचूंगा, टायर घूमना स्टार्ट हो जाएगा। चल गया गाइस। तो गाइस गाड़ी का टायर हमारा चलना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं धीरे धीरे रनिंग लेगा। अभी चलने दो फुल स्पीड में। तेज स्पीड बनाओ, थोड़ी सी तेज। गाइस आप देख सकते हैं कि पीछे वाले शीशे तक को इसने तोड़ दिया है और गाड़ी को तो पूरा इसने उल्टा फुल्टा कर दिया है। कमाल ये पूरा टायर इसके अंदर घुस गया है। गाइस देखा आपने, इसके ऊपर आएगी नेक्स्ट वीडियो हैकर के लिए। तो अभी एक दो टेस्टिंग और करेंगे, फिर देखते हैं कि और गाड़ी के इससे क्या हाल होता है। अब की बार पीछे से करते हैं। अब की बार गाड़ी को उल्टा घुमा के रख दो बस। अरे यार मिस गेज हो गया इस बार निशाना। भाई इस बार लग तो जाता ना तो गाड़ी को बिखेर देता भाई, खतरनाक स्पीड थी ना भाई। तो गाइस हमारा टायर वहां से यहां पर आ चुका है, कांटों के अंदर यहां तक आ चुका है। तो इसको वापस लेना है हम, तो अब लेके चलेंगे। फेंक दे बाहर फेंक दे, ये लो। तो चलो इस बार हमारी बंदूक वापस लोड हो रही है, स्टार्ट करो। गाड़ी का टायर घूमने लग गया। हटो ऑयल। गाड़ी को उल्टा कर दिया। गाइस देखा आपने, एक टायर के अंदर भी इतनी पावर होती है।
खतरनाक। ओहो गाड़ी क्या हुआ, इधर से पूरा बैंड कर दिया, ये देख कलर ही फाड़ दिया गाइस, कलर ये देखो कलर फाड़ दिया कलर, ये होती है ओरिजिनल चोट। एक बार में आदमी किल, एक बार इस एंगल में और, एक बार और ठीक है फिर। दम है इस बार, दम है भाई, दम बहुत ज्यादा ही इसमें। गुप निकाल दी गाड़ी की। तो भाई लोगों आज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एक वीडियो की, तो यहाँ पे मनीष कैंपर को बैक ले रहा है और इस वाली गाड़ी को हम वहाँ बाहर लेके जाएंगे उस मैदान में। तो चलो इसको पहले हम टो करते हैं और फिर लेके चलते हैं बाहर ग्राउंड में। तो भाई लोगों हमने यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर लिया है, अब मनीष चलाएगा पिकअप को और मेरे को चलाना है इसे। OMG, वैसे एक बात बताऊँ, अभी भी ये गाड़ी लगभग चालू है। हैंड ब्रेक सब उतार दिए। मनीष चला। तो भाई लोग यहाँ पे गाड़ी अपनी चालू हो चुकी है। ओ भाई इसके तो पूरे ग्लव बॉक्स में पानी भरा हुआ है और गुब्बारा भी रखा हुआ है उसी में। और अपने मोटा भाई जा रहे हैं। तो भाई लोगों हम निकल चुके हैं गेट के बाहर। तो भाई लोगों फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारी लोकेशन पे और यहाँ पे हमारी कैंपर खड़ी है, अब हम इसे करेंगे अनटो। ये देखो इसलिए हम इधर लेकर आए इस गाड़ी को। कलाकृति चल रही है। मेरा ये ना स्प्रे है ना, ये जंक आ गया। चलिए इसके मुंह पे छेद करो। मुंह पे छेद करने से क्या होगा? मुंह पे छेद करने से इसकी पिचकारी चीज निकलेगी। अरे यार देख ऐसे आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास कोई आर्टिस्ट नहीं है, हम खुद ही आर्टिस्ट हैं। How is my painting? मस्त, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट होने के बाद शानदार लगेगी। भाई खुद का नाम तो खुद को लिखना पड़ता है ना। हाँ ये बात तो सही है, आपसे बेहतर कोई लिख भी नहीं सकता। नहीं तुम लोग लिख सकते हो। इस पर्दे के पीछे एक बहुत शानदार चीज छुपी हुई है, वो बाद में बताएंगे। और इतने सारे पेंट ला के रख दिए हैं, सबसे कर रहे हैं। Just making enough to survive, only living on the weekends. You really thinking that's why I'm alive? Busting out the scenes, time to live my dreams. Do the things deep inside of me. This life it continues with fighting me, but I don't have quitting inside of me. भाई लोग हम यहाँ पे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे देखो इसको कंटेंट को, ये शिकार खेल रहा है। यहाँ पे दबे पांव आ रहा था धीरे धीरे। ए कंटेंट तो भाई लोग यहाँ पे फ्रीज आ चुका है, ये भी हमारा टेस्ट ऑब्जेक्ट है। भाई लोग यहाँ पे भैया पेंट कर रहे थे और क्या हो गया, एन दो बार लिख दिया मैंने। मिस्टर इंडियन हैकर लिख रहा था तो हैकर की एच की जगह पे एन ही लिख दिया मैंने, भूल गया बातों के अंदर। अब इसको साफ करना बहुत भारी काम है। ये क्या हो गया, ये हमारे अलग जीव है। और ये पहली बार जूते तेरे नहीं है, ये मेरे हैं, तभी तो मैं मजे ले रहा हूँ। भैया ने पूरा साफ कर दिया जो गलती मिस्टेक हुई थी उस चीज को। यहाँ हमारी गाड़ी की साफ सफाई चल रही है। तो भाई लोगों यहाँ पे वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। तो भाई लोगों अभी टेस्टिंग हो रही है टायर को फेंकने की, एक बार थ्रो करके देखेंगे। वो भैया उधर खड़े हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये देखो वो उधर खड़े हैं, इधर भूपेंद्र है और वो थ्रो करेंगे टायर को मेरी तरफ, देखते हैं कैसा आता है। तो भाई लोगों आप घर पे ऐसा ट्राई करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, हमने यहाँ पे ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशन ये बैरियर्स लगा रखे हैं। उधर चमन खड़ा है किसी को भी लाइन ऑफ साइट से, इसकी लाइन ऑफ साइट से दूर रखने के लिए। Yeah!
OMG Oh my God सिक्सर लग गया तो भाई लोग यहाँ पे हमारा GoPro शिकार हो चुका है टायर का, ये बीच में आ गया और इसका ये लेंस फूट गया। भैया मैं सदमे में हूँ अभी, मैंने अंडर एस्टिमेट किया था इसकी पावर को। ये जैसे ही जमीन पर टच हुआ इसने कंकर को गोली की रफ्तार से फेंका और एक छोटा सा कंकर लेंस पे लगा और चेल बाबा चेल हो गया कैमरा। ये यहाँ से फूट गया इसका पूरा। वो तो भाई लोगों टेबल तोड़ दी, चेयर तोड़ दी, अब बारी है फ्रिज की। भाई लोग जैसा कि आपको पता है न्यूटन का लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो सेम चीज ये कार करी क्योंकि एक हार्ड सरफेस है। किधर गया? Oh my God, वो रहा। तो भाई लोगो अब की बारी यहाँ पे आ गया और पूरा का पूरा खंबा तोड़ के निकला है। कहाँ पे खंबा? टूटा था ना वैसे वैसे ये को टूट गया। हाँ बहुत मजबूत है ये, दूसरा खंबा टूट चुका है अपना, बहुत स्पीड से आया था। तो भाई पावर तो बहुत खतरनाक है इसके अंदर, मतलब कि 100 की स्पीड नहीं पूरी 200 की स्पीड चल रहा है। हाँ मजा आ गया। तो भाई लोगों फाइनली हमारी यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इस गाड़ी को निकाल रहे हैं। क्यों गोविंद भाई? सब कंप्लीट हो चुका है और अब इस गाड़ी को इस स्ट्रक्चर से निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इसको फिट कर रखा था इन बोल्ट्स के थ्रू। खोल दिया सबको, अब खोल दिया। ये हमारी धूम आ गई वापस, धूम मस्त लग रही है। फर्स्ट किस तरफ रही है? ये स्लोए पे अड़ रही थी, उठाओ। तो भाई लोग आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।